तो आज के वीडियो में जो भी सर ने पढ़ाया है वही मैं दिखाऊंगा, ठीक है। सिंपली कंट्रोल ऑल्ट टी दबाओ एंड टर्मिनल खुल जाएगा। वैसे कई लोगों को अलग अलग कुछ कुछ प्रोग्राम्स कराए थे, लेकिन हम लोग में जो कराए मैं वही कराऊंगा। सिंपली पैटर्न्स हैं कुछ एस्ट्रिक्स से, ठीक है। नाम वाम भी कुछ करने का था, लेकिन मेरे लिए हमारे पैटर्न्स का था, तो ठीक है। टर्मिनल खोल लिया मैं, इस बार ज़रा साइज़ बड़ी कर लेता हूँ, पिछली बार थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी पिछले वीडियो में। प्लेलिस्ट में, बाय द वे, सॉरी, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक है। पहली वीडियो अगर नहीं देखी तो देख लो, फर्स्ट क्लास समझ में आ गई थी तो कोई बात नहीं। PWD किया, डायरेक्टरी दिख गई। LS करो, दिख जाता क्या क्या है, कौन कौन सी डायरेक्टरीज। तो हमको मेरा रोल नंबर वाली खोलनी है, तो सिंपली CD 206167 करेंगे। ठीक है, अब Lab 1 Lab 2 था, देख लो। अब Lab 2 आज कराया गया, तो मैं आज वही वाला फोल्डर खोल देता हूँ, ठीक है। ये सिंपली फोल्डर्स नाम है, देखो कई सारे प्रोग्राम्स हैं, ठीक है। अब पहला प्रोग्राम क्या था कि आप अपना नाम प्रिंट करो, ठीक है। तो मैंने पहले दिखा देता हूँ, ये p1.c में है मेरा। एक सेकेंड, जी एडिट करेंगे, p1.c, ठीक है। अब देखो यहाँ सिंपली कुछ नहीं है, सी नहीं आती तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो बाद में समझ आएंगे, ये सारे फंक्शंस तो मैं नहीं समझ में आए भाई, इंक्लूड क्या है, मेन क्या, रिटर्न, प्रिंट एफ क्या। प्रिंट एफ एक्चुअली एक फंक्शन है, ठीक है, जिसमें डबल कोट्स के अंदर जो भी लिखा जाता है वो प्रिंट हो जाता है, ठीक है। लेकिन ये जो स्लैश है ना, हमको इसका इसके बारे में सीखना है, ये क्या किया जाता है। एक बार इसको रिमूव करके हम लोग देखते हैं कि भाई कैसा आउटपुट आता है, ठीक है। तो पहले सेव करेंगे, एंड देन कंट्रोल एस से सेव कर सकते हो, नहीं तो ऊपर सेव का बटन भी है, ठीक है। सेव हुआ, सेव एंड क्लोज, ठीक है। अब GCC p1.c करेंगे, ठीक है। देन उसके बाद /a.out, ठीक, अरे सॉरी, डॉट आउट, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या हुआ, एक सिंगल लाइन में आ गया, नाम के बाद तुरंत ये कमांड लाइन का दिखने लगा जो भी है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, स्लैश एन यूज़ करते हैं, वो नेक्स्ट लाइन पे ले जाता है, ठीक है। तो स्लैश है, वो भी बैक स्लैश है, नहीं, ठीक है, स्लैश डिवीजन वाला नहीं है, तो बैक स्लैश वाला है। एंटर के ऊपर होता है, एंटर बटन के ऊपर होता है। सेव करो, क्लोज करो, फिर से इसको एक बार रन करके देख लेते हैं। GCC एंड ये, ठीक है, एंड ये देख लो, ठीक है। अब ये क्या किया, नेक्स्ट लाइन पे ले गया। पहले में देखो क्या था, सेम लाइन में आ गया था, इसमें देखो एक लाइन है, उसके बाद नेक्स्ट लाइन से शुरू किया, ठीक है। तो मतलब बेसिकली एक एंटर बटन है वो, स्लैश है, ठीक है। उसको डबल कोट्स के अंदर लिखते हैं, ये भी चीज़ ध्यान रखो, ठीक है। कंटिन्यू करते हैं। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन में भी एक था कि भाई एक एक प्रोग्राम था p2.c, इसमें क्या था, कई सारे नाम करना है, ब्रांच, रोल नंबर, ये सारी चीज़ें, यूनिवर्सिटी नेम, ये था, ठीक है। अब ये देखो ना, मैंने क्या किया, अंकित श्रीवास्तव लिखा, स्लैश एन लिखा, रोल नंबर लिखा, स्लैश एन लिखा, सारी चीज़ें स्लैश एन। क्या बीच में, कहने का मतलब ये है, ये नहीं कि सिर्फ एंड में ही स्लैश एन लगेगा, नहीं, वर्ड्स के बीच में भी तुम स्लैश एन लगा दोगे तो क्या करेगा, वो नेक्स्ट लाइन पे ले जाएगा। तो इसको एक बार रन करके देखते हैं। Ctrl+C दबाने के लिए, Ctrl+C दबा सकते हो, वैसे वहाँ से हम क्लोज भी कर सकते थे विंडो को, Ctrl+C दबाने से विंडो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाती है, ठीक है। अब ये चीज़ तभी पता चलेगी जब पहला वीडियो देखा हो मेरा, नहीं देखा तो कोई बात नहीं, देख लेना डिस्क्रिप्शन में। एक बार सेकेंड प्रोग्राम करके देखते हैं, ठीक है। डाउट देखो, नेक्स्ट लाइन में, हर अगले अगले लाइन में आ रहा है, ठीक है। जिस जहाँ जहाँ मैंने स्लैश लगाया है वहाँ पे एक एंटर बटन दब गया, नेक्स्ट लाइन से शुरू हो गया उसके बाद का स्टेटमेंट, ठीक है। तो यही सिंपली था। अब एक बार तुम फिर से देख लो इसको, ठीक है। बताने का मतलब, कहने का मतलब यही है कि बीच में भी यूज़ कर सकते हो, एंडिंग में भी यूज़ कर सकते हो, कहीं भी चाहो, ठीक है। इनफैक्ट मैं चाहूँ कि शुरुआत में यूज़ कर लो स्लैश एंड फिर अंकित श्रीवास्तव लिखूँ तो भी काम होगा, ऊपर एक लाइन छोड़ेगा देन सेकंड लाइन से अंकित श्रीवास्तव लिखेगा, ठीक है। अब ये था इस बार का। अब इसके पहले कि हम लोग एक दूसरे प्रोग्राम पे जाएं, जो एक्सट्रीम वाला जो पैटर्न प्रिंट करने का था वो ना करके, एक मैं प्रोग्राम बनाता हूँ नया, ठीक है। वो थोड़ा समझ में आएगा, मैं कुछ चीज़ें क्लियर कर दूंगा उसमें। अरे क्लोज हो, हाँ, तो एक प्रोग्राम बनाते हैं, लेट्स से YouTube नाम दे देते हैं उसे,
जी एडिट एडिट यूट्यूब डॉट सी, ठीक है कंट्रोल, मैंने पूरा कोड, अरे सॉरी हैशटैग इंक्लूड होगा, एक सेकंड रुको, हैशटैग इंक्लूड, ठीक है। हाँ अब देखो एक अच्छा प्रेफर्ड तरीका है कि भाई कोड को क्लीन लिखा जाए, ठीक है, ताकि दिखे, प्रॉपर स्पेसेस दिए जाएं, तो वो करना चाहिए। एंड ठीक है देखो प्रिंट एफ, मैंने ऐसे देखो टैब बटन दबा के एक स्पेस दिया, थोड़ा कोड रीडेबल बन जाता है, ठीक है। अब देखो अंकित श्रीवास्तव, अंकित इज माई नेम, ठीक है। अभी देखो मैंने बीच में स्पेसेस दे रखे हैं, ठीक है, स्पेसेस नहीं ज़रूरत है बाय द वे, स्लैश टी की भी हम यूज़ कर सकते थे, लेकिन उसमें एक टैब का स्पेस मिलता है, एक टैब, उसमें तीन चार स्पेसेस होता है। फिलहाल अभी एक इसी को रन करके देखते हैं क्या आता है, ठीक है। उसके बाद मैं टैब स्लैश टी का यूज़ करके दिखाऊंगा, ठीक है। सेव करो, इसको रन कर दिया, यूट्यूब डॉट सी, अरे सॉरी रुको, ओ मैं समझ गया, सिक्स्थ लाइन पे एक प्रॉब्लम है, या मैं, अरे अरे क्लोजिंग ब्रैकेट यूज़ करते तो मैं ओपनिंग ब्रैकेट यूज़ कर दिया। देखो देखो सिक्स्थ लाइन देखा, वो क्लोजिंग ब्रैकेट होनी चाहिए, ठीक है ओके। इसको करो रन, कंपाइल देन रन एंड दिस इज द आउटपुट, ठीक है। देखो स्पेस दे रहा है बीच में, ठीक है, स्पेस दिया यहाँ पे, स्पेस दिया इज और माई के बीच में स्पेस दे रहा है, ठीक है, अंकित और इसके बीच में स्पेस दे रहा है, तो ये क्या, ये सिंपली स्पेसेस यूज़ किया। अब हम यूज़ कर सकते हैं स्लैश टी, वो क्या करेगा, एक टैब का स्पेस दे मारेगा, देख लो एक बार, हर जगह मैं स्लैश टी यूज़ कर देता हूँ, ठीक है। सेव क्लोज, बाय द वे क्लोज ना करके तुम कंट्रोल सी दबा सकते हो, क्लोज हो जाएगा। तो ये ठीक है, अब एक बार इसको रन करके देख लेते हैं, ठीक है। यप, तो अंकित इज माने, देखो टैब्स की स्पेस दे रहा है, वो छोटे मोटे स्पेस नहीं दे रहा, पूरा एक टैब ही उठा दिया बीच में, तो अब ये तुम्हारे ऊपर है। फिलहाल अभी इस फाइल को डिलीट कर देते हैं, क्योंकि ये तो लैब का था नहीं, मैंने बस बताने के लिए, एक कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए किया। स्लैश टी याद रहेगा ना, स्लैश टी वो क्या है, बीच में टैब स्पेस स्लैश एन नेक्स्ट लाइन, ओके, बस इतना काम था, ठीक है। तो इतना ही था, अब इसको बस हटा दोगे तो टैब नहीं, फिर से वापस स्पेसेस ही आएंगे, नॉर्मल स्पेस, ठीक है। डोंट सेव, डोंट सेव करते हैं इसको, रिमूव करते हैं, ठीक है, रिमूव यूट्यूब डॉट सी, ठीक है, डिलीट हो गई फाइल, मैंने बताया था, देखो डिलीट हो गई, ठीक है। अब हम लोग का जो थर्ड क्वेश्चन था वो था एक स्टार्स का एक पैटर्न प्रिंट करना है एस्ट्रिक्स का यूज़ करके, तो पहले प्रिंट करके दिखा देता हूँ, p3.c, एंड कंपाइल हो गया, एंड रन, यप ठीक है, ऐसा कुछ आउटपुट आना था, ठीक है। अब वो कैसे लाओगे, जिनको सी आती है वो लूप से कर सकते हैं, ठीक है, लूप से अभी कराना सिखाया नहीं है, अभी सिंपली आपको यूज़ करना है प्रिंट एफ कमांड्स, ओके, और प्रिंट एफ फंक्शन जो भी है उसी का यूज़ करके आपको करना है प्रिंट, तो मैं करके दिखा देता हूँ। ये देखो क्या किया मैंने, प्रिंट एफ का यूज़ किया, एक स्टार दिया, एस्ट्रिक्स दिया, स्पेस दिया, एस्ट्रिक्स दिया, स्पेस दिया, फिर ये स्लैश एन यूज़ किया, स्लैश एन क्यों यूज़ किया पता चल गया ना भाई, नेक्स्ट लाइन पे, अगर नेक्स्ट स्लैश एन यूज़ नहीं करेंगे तो नेक्स्ट लाइन पे थोड़ी ना जाएगा, आगे ही कंटिन्यू करता चला जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट लाइन ले जाने के लिए स्लैश एन लिखा हमने, और फिर उसके बाद सेव एंड क्लोज, ठीक है, कंट्रोल एस करके सेव कर लिया। अब मैं दिखाता हूँ दूसरा जो बनाया था उन्होंने, वो था कुछ हाफ पिरामिड टाइप का बनाने का, ठीक है, तो कंपाइलर ना ऐसा कुछ, ठीक है। अब ये कैसे करें, लूप से भी हो सकता है ये, लेकिन हमको करना है सिर्फ प्रिंट एफ कमांड यूज़ करके, ठीक है। जिनको सी नहीं आती डरे ना, वो जल्दी ही सीख जाएंगे, बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है ये, ठीक है, बहुत छोटा है। तो ये सिंपली मैंने देखो दे रहा हूँ, सेम टू सेम विजुअल प्रेजेंटेशन सेम होना चाहिए प्रिंट एफ में, जैसा देखना चाहते हो वही सामने लिख दो, स्लैश एंड नेक्स्ट लाइन ले जाने के लिए काम करो। अब प्रिंट करो, वही सेव कर लो, क्लोज, चूंकि मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा लेट हो सकता है, कोई बात नहीं, सीन का मजे लो, क्लोज, ठीक है, ठीक है, ये आ गया। अब देखो मैंने वही समय में खाली था तो मैंने एक और उसी का यूज़ करके, लूप्स का यूज़ करके भी उसको किया है, पहले हम रन करके दिखा देते हैं, ठीक है। p3 लूप्स, नहीं नहीं जी एडिट नहीं करूँगा, पहले रन करके दिखा दूँगा तुम्हें,
सेम दिखना चाहिए, ठीक है, लेकिन कोड डिफरेंट होगा, और कोड डिफरेंट होगा प्लस आसान होगा, थ्री लूप डॉट सी, ठीक है, रन, ठीक है, आउटपुट वही आ रहा है, देखो ऊपर वाले की तरह आउटपुट आ रहा है, लेकिन अभी मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि कोड में क्या डिफरेंस है। हालांकि जो जिनको सी नहीं आती वो डरे ना इसे देख के, बस देख लें कि भाई और भी तरीके हैं। देखो यहाँ पर मैंने सिर्फ एक ही एस्ट्रिक्स यूज़ किया है, ठीक है, बहुत ज़्यादा यूज़ भी नहीं किया, एक ही यूज़ करके पूरा प्रिंट कर डाला, और तुम लोग मैंने क्या किया था बहुत सारे, तो ये सब आसान है यार, डरने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। अब एक वो वाला देख लो, हाफ पिरामिड वाला देख लो कैसे किया मैंने, वो भी लूप से किया है, लेकिन एक बार तुम पहले रन आप, ठीक है, अब इसका कोड देख लो, थोड़ा सा डिफरेंस है कोड में, P4, ठीक है, देखो सिर्फ एक एस्ट्रिक्स यूज़ किया, सारी चीज़ प्रिंट हुई है, ठीक है, वो कैसे हुआ कहाँ होगा वो आ जाएगा बाद में, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, डोंट लेट एनी वन क्या कहते हैं डराना, ठीक है, डरो मत ना किसी को, अपने आप को डराने दो, ठीक है। अब देखते हैं, एक सर ने कहा था कि स्टार से कीट का नाम प्रिंट करो, IIT प्रिंट करो, ठीक है, तो मैंने एक बनाया P4 कीट स्टार डॉट सी एंड रन, देखो कीट दिख रहा है, पूरा कीट लिखा हुआ समझ में आ रहा है, IIT नीचे लिखा हुआ समझ में आ रहा है, बीच में स्पेस दे रखी है मैंने, ठीक है, वैसे एक्स्ट्रा एक स्टार लग गया उधर टीम है, ठीक है, उसको सही कर दिया जाएगा। तो ये था, अब इसका कोड कैसे लिखते हैं, कुछ नहीं है, वैसे लूप से किया जा सकता था, लेकिन बहुत सारे लूप्स लग जाएंगे उसकी, फालतू मतलब उतना मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, अब अभी फ़िलहाल प्रिंटफ से ही सीखें तो वही करेंगे हम, जी एडिट करके देख लो एक बार कोड, वही एडिट है, ठीक है, एक सेकेंड, अरे बढ़ो यार, एडिट, ठीक है, हाँ देख लो, ये सिंपली मैंने लिखा सारा, तुम कोड लिखो जैसे विजुअल प्रेजेंटेशन चाहते हो वैसे लिख लो, और ये लास्ट में एक एक्स्ट्रा एक्स्ट्रिक्स था उसको हटा दूंगा, हाँ ठीक है। अब देखो सारा पूरा कीट दिख रहा है, नीचे IIT दिख रहा है, ठीक है, ये देखो पूरा कीट आ गया, KIIIT दिख रहा है, स्लैश एन क्यों यूज़ किया भाई, अलग अलग लाइन में जाने के लिए, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है, और देखो बीच में स्लैश एन 2 बार यूज़ किया मैंने, ऐसा क्यों, बीच में गैप देने के लिए, ठीक है, अगर बीच में गैप ना देता तो वो एकदम घुस जाता एक दूसरे में, ठीक है, एकदम बिना स्पेस के, देखो डबल स्लैश एन यूज़ किया है ना, तो मतलब 2 लाइन का, ये देखो ये तो तुम्हारा एक स्लैश एन से आता एक स्पेस, ये डबल स्लैश एन से 2 स्पेस आ गया, समझ में आ गया, यही था। अब आगे देखते हैं, तो IIT भी ऐसे मैंने कर दिया सेम टू सेम, वैसे बीच में मैं देखो थोड़ा सा गैप है ना, तो इसको कर सकते हैं कम, रहने गया, चलो अरे ज़्यादा हो जाएगा, नहीं रुक जाओ, कर ही देते हैं, कर ही देते हैं, कितना है, 1 सेकेंड, 1 2 2 3, ठीक है, अब 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 2 3, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2, ठीक है, देखो IIT आके समझ में आ रहा है ना, ठीक है, बस ये करो GCC कंपाइल एंड रन, ठीक है, देखो आ गया एकदम लेफ्ट साइड पे एकदम सटा हुआ, एंड KIIT, ठीक है। तो इस क्लास के लिए इतना ही था, इसमें और कुछ समझाया नहीं, मैं बेसिकली स्लैश एंड स्लैश टी ही हमको बताया गया, तो उसी को मुझे बताना था, तो ज़्यादा बड़ी आज क्लास होनी नहीं थी, कोई ज़्यादा कमांड और सीखे नहीं, हाँ पहली वीडियो नहीं देखी तो देख लो, प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है, बस सिया, बाय बाय।